ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोले बाबा। भोले बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरे बीबी बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप, सबको आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत जल्द शहर से मैं बहुत सारा पैसा कमा के लाऊंगा और खेत की सारी जमीन छुड़ा दूंगा। मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अच्छा बेटे, यहाँ अपना जबरदस्त आतंक है। तुम अपना शहर में जाके बिजनेस संभालो, यहाँ मैं संभालता हूँ। ठीक है पिताजी, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। जल्दी आना। आऊंगा। तुम मुझे याद तो करोगे ना? करूंगा। हे ईश्वर, मुझे कामयाब करना। अरे बीमा, वो कौन आ रहा है रे? शेठ जी, लगता है ये मंगल सिंह का बेटा आ रहा है और वो शहर जाएगा और पैसा कमा कर लाएगा। आपने अपनी जमीन छुड़ाएगा शेठ जी? ए रुक, बीमा पकड़ के ला इसको। चक्रवर्ती ब्याज की कसम, साहूकार नाम है मेरा। मैं जिस किसी को भी एक बार उधार देता हूँ उसके कपड़े उतार लेता हूँ। मार चाले को, साला मंगल सिंह की औलाद, आज ये मरेगा मेरे हाथ से। मुझे छोड़ दो, मुझे खा ले जा रहे हो। मेरे बीबी है, मेरे बच्चे। बीमा, इसको पानी में डुबा कर मार दे साले को। लोग सोचेंगे इसने आत्महत्या की है। मैं जा रहा हूँ। आप जाओ शेठ जी। मुझे तैरना नहीं आता। नहीं, मुझे पानी में मत डालो। मुझे तैरना नहीं आता। सर देखो, पुलिया पर कुछ गड़बड़ है। हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। आंखें बंद मत कर, आंख बंद मत कर, हाथ मत छोड़। हाथ छूट रहा है मेरा। ये क्या किया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों डुबाए इसको? मैंने नहीं डुबाया, हमने देखा है। अरे डुबाने वाले तो भाग गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मुझे उसे बचाने दो, वो मर जाएगा। बचाने दो। बचाने का काम पुलिस का है। अरे वो मर जाएगा, क्यों नहीं समझते? वो मर जाएगा। इसको बचाने का काम गोताखोरों का है। अरे वो मर जाएगा। चल। अच्छा तुम उसको बचा के लिए, मैं यही खड़ा हूँ। समझते क्यों नहीं हो? वो मर जाएगा, मुझे उसे बचाने दो। छोड़ दो मुझे, नहीं भागूंगा मैं। अरे छोड़ दो मुझे, वो मर जाएगा। अरे मैं कहता हूँ मुझे उसे बचाने दो, मुझे जाने दो, मैं उसे बचा के ले आऊंगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो मर जाएगा। चल चल, नीचे उतर, नीचे उतर।
पकड़ो, उतर नीचे, ले चलो साले को, बहुत डॉन बना फिरता है साला, ले चलो इसको। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, जिस इंसान का खून हुआ है उसका नाम दीपक सिंह था, जो कि मंगल सिंह के घर का चिराग था। इनके घर का दीपक था जिसे नरेंद्र सिंह ने बुझा दिया। जज साहब, दीपक इनके घर का एकमात्र सहारा था, इसलिए दीपक के जाने के बाद इनके घर के अंदर भयंकर अंधेरा छा गया है। अब इनका कोई सहारा नहीं है। माँ, बापू, माँ, बापू, नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके घर का बड़ा बेटा नरेंद्र। ये देखो, आपने मेरे हाथ पर नाम लिखवाया था, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र, मेरा बेटा, अब मुझे छोड़ के मत जाना नरेंद्र। अब नहीं जाऊंगा बापू, आपको छोड़ के अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, आप सब को छोड़ के। मैं आ गया हूँ माँ, बापू, मैं आ गया हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा, हमेशा साथ रहूंगा बापू। अब मुझे छोड़ के मत जाना नरेंद्र। ये क्या कर रहे हो आप लोग, किसे गले लगा रहे हो? इसे, जिसने मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया, जिसने आपके घर का दीपक बुझा दिया, जिसने आपके घर में अंधेरा कर दिया, उसे गले लगा रहे हो? हत्यारा है ये, हत्यारा, हत्यारा है ये, हत्यारा। हत्यारा नहीं हूँ मैं, ओए मिस्टर, क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं, अदालत है, अदालत। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। जज साहब, सामने कटघरे में खड़े इंसान का नाम नरेंद्र सिंह है और जुल्म की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नाम है। डर से लोग इसे कभी कभी चुकोड़ी सरकार भी कहते हैं। जज साहब, इस आदमी की वजह से, जज साहब, इस आदमी की वजह से मंगल सिंह और गंगा देवी के घर का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। दीपक की मौत कैसे हुई मैं अदालत को बताना चाहूंगा, और भी कुछ बातें हैं जो मैं अदालत के सामने रखना चाहूंगा। जज साहब, ये न्याय का मंदिर है और इस न्याय के मंदिर में किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जज साहब, इस कातिल नरेंद्र सिंह ने दीपक को बुरी तरह मारा, पीटा और लहूलुहान कर दिया, और इसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा तो इसने दीपक को गहरे पानी में धक्का दे दिया, ताकि कानून की नजर में यह साफ साफ बच जाए और सारे सबूत नष्ट हो जाए। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि मृतक दीपक को पानी में तैरना नहीं आता था, इस कारण वो पानी में डूब गया और पानी में रहने वाले खतरनाक जीवों ने उसे कच्चा चबा लिया। वकील साहब, मेरे मुवक्किल के खिलाफ अगर आपके पास कोई गवाह या सबूत है तो आप अदालत में पेश कीजिए। मृतक दीपक को पानी में धक्का देते हुए पुलिस अधिकारी प्रकाश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। जज साहब, जज साहब, मैं पुलिस अधिकारी प्रकाश से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इजाजत है। धन्यवाद जज साहब। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्या आपने मेरे मुवक्किल नरेंद्र सिंह को दीपक की हत्या करते हुए देखा? क्या उसे मारते पीटते लहूलुहान करते देखा? क्या आपने उसे पानी में धक्का देते हुए देखा? मैंने दीपक को मारपीट करते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पानी में धक्का देते हुए जरूर देखा। तो फिर आपने क्या किया?
मेरा मतलब है, दीपक को बचाने के लिए आपने फिर क्या कदम उठाए? पहले तो मैंने नरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया, उसके बाद मैंने गोताखोरों को बुलाने के लिए कांस्टेबल को भेजा। तो क्या गोताखोर आए? जी नहीं, उस समय गोताखोरों की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाद में हमने गोताखोरों को बुलाया और लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, लेकिन लेकिन क्या दीपक की लाश मिली या उसकी कोई निशानी मिली? जी नहीं, ना ही दीपक की लाश मिली, ना ही उसकी कोई निशानी मिली। ठीक है, आप जा सकते हैं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपाया जा रहा है। ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। इस नरेंद्र सिंह ने ही उस मासूम दीपक का कत्ल किया है और यही गुनहगार है। जैसा कि मैं वकील साहब से पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास कोई सबूत या गवाह हो तो अदालत में पेश कीजिए, नहीं तो जज साहब को मेरे मुवक्किल नरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाना पड़ेगा। देखिए दीपक के बूढ़े माँ बाप को, देखिए उसकी विधवा पत्नी को, देखिए उसके मासूम बच्चों को। अब उन्हें कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन इनका पेट भरेगा? बोलिए, जवाब दीजिए। जज साहब, मैं मानती हूँ कि इन पे दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन केस ये नहीं है कि इनका पेट कौन भरेगा, इनको कौन पालेगा। केस ये है कि मेरे मुवक्किल नरेंद्र सिंह ने क्या इनके बेटे दीपक सिंह की हत्या की है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों के घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि अदालत के अंदर ना तो कोई ठोस सबूत पेश हुए हैं और ना ही कोई गवाह। इसीलिए अदालत किसी भी इंसान को बिना ठोस सबूतों और गवाहों के मुजरिम नहीं ठहरा सकती, गुनहगार नहीं ठहरा सकती। बोलिए, कुछ तो बोलिए, आज ये अदालत आपकी राय जानना चाहती है। जज साहब, जिसने मेरे बेटे को मारा है जज साहब, उस पे इतना रहम क्यों जज साहब, रहम क्यों? क्या मेरा बेटा दीपक इंसान नहीं था? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए मालिक, इंसाफ चाहिए। रही बात गुजारे की जज साहब, वो तो हम कर लेंगे, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए। काश कि मैं आपको बता पाता माँ बापू कि मैं ही आपका नरेंद्र हूँ और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। मैंने दीपक का कत्ल नहीं किया, इसे मैं साबित करके रहूंगा। तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका बड़ा बेटा। मुझे माफ करना। जैसा कि आप जानते हैं, बिना सबूतों और गवाहों के अदालत किसी भी इंसान को दोषी नहीं ठहरा सकती, और इस केस में अभी तक दीपक की लाश भी बरामद नहीं हुई है। इससे लगता है दीपक सिंह पुत्र मंगल सिंह कहीं ना कहीं जिंदा हो, और बाद में 6 महीने बाद भी अगर दीपक सिंह जिंदा मिल जाता है तो अदालत नरेंद्र सिंह को दी गई 6 महीने की सज़ा का नरेंद्र सिंह को क्या जवाब देगी। इसीलिए यह अदालत नहीं चाहती है कि एक के साथ न्याय के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय हो जाए। इसीलिए सभी दलीलों को सुनने के बाद आज यह अदालत फैसला करती है कि नरेंद्र सिंह बिल्कुल निर्दोष है, इस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। इसलिए आज यह अदालत नरेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी करती है। ठहरिए जज साहब। क्या हुआ? मैंने दीपक की हत्या नहीं की जज साहब, मैं उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इन पुलिस वालों की गलतफहमी के कारण मुझे हत्यारा बनाया गया। मेरे भाई का हत्यारा, मेरा मतलब दीपक सिंह का हत्यारा मुझे बनाया गया। और जब मुझे हत्यारा बनाने का बीड़ा उठा ही लिया है पुलिस ने, तो मैं अपने आप को साबित करूंगा, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा।
मैं दीपक सिंह को ढूंढ कर लाऊंगा, हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा चाचा, चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े मैं करूंगा। और मैं दीपक सिंह को ढूंढ कर लाऊंगा। अदालत जानना चाहती है तुम जो बात कह रहे हो उसका क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। जज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक दीपक सिंह ना मिले या उसकी लाश ना मिले, क्या तब तक मैं दीपक सिंह के घर पर रह करके एक बेटी की तरह इनकी सेवा कर सकता हूँ? नहीं जज साहब, नहीं, ऐसा मत करना जज साहब, ऐसा मत करना। इसने मेरे बेटे दीपक की हत्या की है जज साहब, हत्या की है। इसने मेरे घर का दीपक बुझाया है जज साहब, ये हत्यारा है जज साहब, हत्यारा। ये गुंडा है जज साहब, गुंडा। ये मेरे घर में रोशनी की बात करता है जज साहब, इस गुंडे ने मेरे घर में अंधेरा किया है जज साहब, इसी गुंडे ने। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसा खतरनाक गुंडा हमारे घर पे रहेगा। नहीं जज साहब, लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, कहीं मेरे दामन पर दाग न लग जाए जज साहब। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस खतरनाक गुंडे को हमारे घर पर रहने की इजाजत मत दीजिए जज साहब, मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जज साहब। तू तो मेरी बहन है ज्योति, एक बार अपना भाई समझ कर ही एक बार सेवा का मौका दे दे, मैं तुझे कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। जज साहब, आप तो समझ सकते हैं, वैसे भी मेरा तो इस दुनिया में ना कोई आगे है ना पीछे है, मैं तो इस दुनिया में लावारिस हूं। मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा और इनको कमा कर खिलाने वाला मिल जाएगा। एक एहसान मुझ पर कर दीजिए, मुझको इनके घर में रह करके एक बेटे की तरह इनकी सेवा करने का अवसर दे दीजिए, मैं कभी भी कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दीजिए जज साहब। आज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आज इस अदालत में मेरा आखिरी दिन है और मैं कल रिटायर्ड हो रहा हूँ। आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज करवा चौथ है और इस शुभ दिन पर बेटी ज्योति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें दीपक सिंह के रूप में सुहाग आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कुर्सी पर बैठकर मैंने हजारों फैसले किए, परंतु ऐसा फैसला शायद ही किसी जज ने किया हो। और ये भी बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र सिंह जैसा मुजरिम आज तक किसी अदालत में नहीं आया होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह को अदालत ने दोष मुक्त मानकर बरी कर दिया है। फिर भी ये इंसान एक बेटे की भांति सेवा समझकर दीपक सिंह वल्द मंगल सिंह के परिवार की जवाबदारी लेने को तैयार है। इसलिए आज मैं आखिरी फैसला करता हूँ कि नरेंद्र सिंह को मंगल सिंह के परिवार की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि वो मंगल सिंह, नरेंद्र सिंह व पूरे परिवार को उनके गांव, उनके घर तक हिफाजत से छोड़ के आए और अदालत की अनुमति के बिना नरेंद्र सिंह को मंगल सिंह के घर से कोई भी निकालने की कोशिश न करें। यदि कोई कोशिश करता है तो
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत की कार्यवाही आज यही समाप्त की जाती है। हे शाम किस दोराहे पे लाकर मुझको खड़ा किया, माँ को माँ ना कह सकूं मुझे कैसा दिन दिखा दिया। अपने भाई का भी खूनी वक्त ने मुझे बना दिया, माँ के आंचल को तरस रहा हूं मुझे वक्त ने क्या से क्या बना। गुरु हमारे लिए क्या आदेश? हाँ गुरु, तुम लोग वापस जाओ। वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता गुरु। गुरु हम तो आपके साथ यही रहेंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं यहां व्यापार लगाने नहीं आया हूं, मैं यहां गुंडागर्दी करने नहीं आया हूं, मैं यहां डॉन बनने नहीं आया, मैं यहां रूठे हुओं को मनाने आया हूं। जो रिश्ते खो चुके हैं उन्हें वापस पाने आया हूं, और जो मुझसे बिछड़ चुके हैं उन्हें ढूंढकर वापस लाने के लिए आया हूं। माना कि तुम मेरे भाई से भी ज्यादा हो, मेरा बहुत साथ दिया, मेरे लिए कई बार तुम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में इस इम्तिहान में मुझे ही उतरने दो। आप लोगों की जरूरत नहीं है, ये मेरे परिवार का मामला है, समझो इस बात को, चले जाओ। सभी गांव वालों को मेरा राम राम। राम राम तो करो, राम राम भी नहीं करते। अदालत ने मुझे बरी कर दिया है, ना तो मैंने दीपक की हत्या की है और ना ही मैं गुनहगार हूं। और एक बात, आज के बाद इस घर में कोई भी काम हो तो आप सब लोग मुझसे संपर्क करेंगे पहले, क्योंकि आज के बाद ये मेरा घर है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, मंगल सिंह जी मेरे बाप हैं। चुप हो जा हत्यारे। बापू, ना तो तू मेरा बेटा है और ना ही मैं तेरा बाप हूँ। बापू, अरे चले जा कुत्ते यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून? मेरे खून पीने का कार्यक्रम तुझसे नहीं होगा बापू, नहीं होगा मेरे खून पीने का कार्यक्रम तुझसे, समझता क्यों नहीं है? जब तक दीपक की लाश नहीं मिलेगी या दीपक जिंदा नहीं मिलेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, समझा तू? कान खोल कर सुन ले, नहीं निकाल सकती, यहीं बैठा रहूंगा, यहीं तेरे इस घर के बाहर भूखा मरूंगा, प्यासा मरूंगा, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कुत्ते! बापू, 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 सुन लो गांव वालों, नरेंद्र सिंह को यहां से कोई नहीं निकालेगा, ये अदालत का हुक्म है, और अगर किसी ने भी निकालने की कोशिश की तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और कानून उसको जेल में डाल देगा। चलो अपने घर चलो। रुक जा रुक जा।
वरना इस लंगू की मुंडी उड़ा दूंगा। ओए, अरे कौन है यार तू? हाँ, ओ, आ, 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 अरे बाप रे, है कोई यार? भाग जाओ। अरे मारे। अब मैं इसी गांव में रहने वाला हूँ। तुम जैसे लोगों के लिए मैं चुकोड़ी सरकार हूँ। भाग जाओ। कौन थे वो गुंडे? वो गुंडे साहूकार के पाले हुए कुत्ते हैं। कुत्ते गांव में होते हैं ना, जो गरीब लोग उनको पकड़ कर लूटते हैं। और क्या, यही काम है उनका। तुमको डर नहीं लगता उन गुंडों से? मुझे? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। वो तो उस लंबू को ढाल बना रहा था अपने, वरना मेरा एक थप्पड़ पड़े। अरे आपको नहीं सरकार, उनको थप्पड़ पड़े ना, मेरा जमीन से उठे ना वापस। रूपा हूँ मैं, रूपा पीछा करती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ। चाय के कितने पैसे? क्या सरकार, अपना भी बनाते हो और पैसा दे के पराया भी करते हो। भला परिवार में पैसों का हिसाब किताब होता है क्या? परिवार तो मेरा भी है, लेकिन मुझे कब अपनाएगा मुझे नहीं पता। सरकार, अब तुम अकेले नहीं रहे, तुम्हारा हर दुख हर सुख मेरा हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
बारे में क्यों पूछ रहे? मैं कह रहा हूँ घर पे कुछ मुसीबत है।